लॉकडाउन में भी अजीब किस्से सुनने और देखने को मिल रहे हैं। एक ओर लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बदहाल है और कई लोग ऐसे हैं जिनके किचन सूने पड़े हैं और दाल तक नसीब नहीं हो पा रही है। पर दूसरी ओर उज्जैन में चिकन की होम डिलीवरी की जा रही है। चिकन की होम डिलीवरी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल फ्रीगंज में वेलकम चिकन सेंटर के नाम से दुकान संचालित करने वाले गणेश सेकिया हाल ही में उस समय परेशान हो गए जब उनके मोबाइल पर चिकन की खराब क्वालिटी को लेकर फोन आने लगे। ऐसे में जब उन्होंने यह कहा कि वह चिकन बेच ही नहीं रहे हैं तो फिर चिकन की खराब क्वालिटी कैसे हो सकती है। बाद में उन्होंने जब पड़ताल की तो पता चला कि उनके नाम से किसी ने फर्जी आईडी बनाकर चिकन की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। लिहाजा उन्होंने इसको लेकर पुलिस में शिकायत की। अब पुलिस लॉकडाउन में चिकन की होम डिलीवरी करने वाले की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल उज्जैन। सर मेरी चिकन सेंटर की दुकान है वेलकम चिकन सेंटर के नाम से, इसी के नाम से कि मेरे पड़ोसी ने फर्जी आईडी बना के मेरे नाम से घर पर सेवा चिकन सप्लाई कर रही है, उस चक्कर में ही आया था। मेरी दुकान बंद थी, मैं फुर्सत में मोबाइल चेक करा, कुछ कस्टमर के मेरे पास फ़ोन आया कि भाई चिकन गलत दे दिया है। मैंने जब मेरे को दे नहीं रहा तो गलत कैसे आई है, फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ फर्जी आईडी से मेरा डायरेक्ट।